ये एक वॉल है और वॉल के साथ ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो डायग्राम साथ साथ बनाएं प्लीज, कॉपी में बनाएं। ये केस कुछ ऐसा है, ये दीवार है, ये ब्लॉक है, मैं 12 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा हूँ। तो अगर मैं ये मानूं कि मेरे हाथ में फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी लगा लो, 12 छोड़ो, 1200 न्यूटन लगा लो, ये नहीं ब्लॉक बॉडी यहाँ रुकेगी। क्यों? इसका वेट कहाँ है? नीचे। इसका वेट इसे नीचे ले जाएगा और रोकने के लिए फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगी, आप रोक नहीं पाओगे, स्लिप होके नीचे गिरी जाएगी। तो यानी कि अगर आप इसे यहाँ रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, मेरे हाथ में फ्रिक्शन चाहिए। तो क्वेश्चन है कि सपोज करो इसकी जो वेट की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, लिखो वेट इसमें 5 न्यूटन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू की वैल्यू 0.6 है, ठीक। मैं ये चाहता हूं कि यहां टिका रहे और मेरे को निकालनी है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर मुझे क्या ढूंढनी है? कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला मेरा आंसर दो, इसका वेट कितना है ब्लॉक का? 5 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? बिल्कुल गलत। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें ब्लॉक को हवा में लटका दो, मतलब जमीन से क्या ट्रांसमिशन होती है नॉर्मल रिएक्शन की? मतलब ये पैर मैंने हवा में डाल दिया, तुम हिसाब थोड़ा ना लोगे कि इसका वेट 1 न्यूटन है, तो अर्थ भी 1 न्यूटन कैसे देगी? तुम टच तो कर नहीं रहे अर्थ को। तो 5 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका वॉल है, सरफेस। तुम अगर दीवार पे, ये ब्लॉक दीवार पे 12 न्यूटन लगा रहा है, तो बदले में दीवार भी इसके ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन कितना? 12 न्यूटन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन जो होगा उसकी वैल्यू 12 न्यूटन होगी। हवा में लटक रहा है ब्लॉक, जब ब्लॉक हवा में लटकता है मतलब ही नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन 5 हो जाए, दीवार के साथ मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो पहली कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी कौन है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कहाँ करेगी ब्लॉक पे? ब्लॉक कहाँ गिरने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे। कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ करेगी? ऊपर। तो ये रही इसकी फ्रिक्शन, ये रही, तो ये रही फ्रिक्शन की वैल्यू। ये लो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, बोलो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ इज इक्वल टू म्यू कितना है? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 12। कितना आ गया? 7.2 न्यूटन। कोई डाउट इसमें? सही है। तो आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना होता है। दो दो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पता है क्या आएगी? इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? रिजल्टेंट। ये आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पता क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। हमने लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट फोर्स सीखी थी, एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो एन की वैल्यू कितनी है? 12। एफ की वैल्यू कितनी है? 7.2। जब पुट करोगे आंसर मैच करेगा, ये पेपर जब मेंस में या उसमें कॉम्पिटिशन में देके आओगे आंसर जरूर होगा 7.2 के साथ, और आप घर आके 100% कहोगे पेपर बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7.2 है ही नहीं, वो एफ मैक्स है। अब इस बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 7.2। तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि सर फ्रिक्शन बड़ी हो रही है, वेट छोटा हो रहा है, ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाएगा? तुमने पूछा ही नहीं, तुमने कहा 7.2। नीचे कितना है? 5 न्यूटन। तो कैसे हो सकता है? तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ब्लॉक को हिलाने के लिए 7.2 चाहिए, और आप कितनी फोर्स से हिला रहे हो? 5। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है क्या होगी? 5। स्टैटिक है ना, कैसे ख्याल आया स्टैटिक है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम रेस्ट पे है, तो काइनेटिक का तो ख्याल ही नहीं आ सकता, तो इसमें तो है ही स्टैटिक का केस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट करो 7.2, और वेट की वैल्यू कितनी है इसमें? 5। तो फ्रिक्शन यहां पर 7.2 नहीं है, 5 है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां पर आंसर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आंसर 13 न्यूटन। सर,